भूकंप का मजा लेने के लिए मैंने कहा था, लोग उसी अंदाज में देख रहे थे कि एक देश का कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष आधारहीन तथ्यहीन बातें बोल रहा हो और लगता है फिल्मी स्टाइल में जिस ढंग से ऐसे ऐसे करते हुए आए, मुझे लगा कि क्या हो गया और जाकर के वो कह रहे खड़ा हो खड़ा हो। अब ऐसे कहीं कोई स्क्रिप्ट लिख दिया होगा कि ये करोगे तो इसका रिफ्लेक्शन अच्छा होगा। मुझे लगता है राहुल गांधी आज सचमुच में सदन की गरिमा को भी गिराया है। रक्षा मंत्री ने उस पत्र को भी सदन के सामने रख दिया जो उनके कार्यकाल का पत्र था, उस पत्र को रख दिया। गिरिराज जी, राहुल गांधी ने ये कहा कि बीजेपी ने और आरएसएस ने उनको सिखा दिया कि वो हिंदू हैं। आज उन्होंने स्वीकार किया कि वो हिंदू है जबकि उनके ऊपर मुस्लिम परस्ती का आरोप लगता है। देखिए, वो कुछ भी बोल सकते हैं, भगवान करे कि हर व्यक्ति भारत का अपने आप को हिंदू कहने लगे, मैं तो बड़ा खुश हो जाऊंगा। राहुल गांधी के पूरे भाषण को किस रूप में आप देखते हैं? राहुल गांधी का भाषण आज बचकाना के सिवा कुछ नहीं है, तथ्य से परे है। अगर हिम्मत हो तो वन टू वन किसी भी